मैं दीपक अपने इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप भी एक बिहार के निवासी हैं, आपका राशन कार्ड कहीं गुम हो गया है तो उसे कैसे डाउनलोडिंग करना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया हूँ। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपकी एक छोटे भाई की तरह हूँ तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राशन कार्ड डाउनलोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको EPDS बिहार लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा EPDS बिहार, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप राशन कार्ड के ऑफिशियल साइट होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि RCM रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेट बिहार बता रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में अपना जो भी अपने अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, अपने अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल निकल के आएगी। तो यहाँ पे रूरल और अर्बन दो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे तो रूरल होगा, और अर्बन अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन होगा। तो अपने अकॉर्डिंग अपना चुन लेंगे और उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ब्लॉक पूछा जाएगा, तो आपका जिस भी ब्लॉक में आपका ब्लॉक पड़ता होगा आपको ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पंचायत पूछा जाएगा कि आप किस पंचायत के रहने वाले हैं, तो आपने अकॉर्डिंग अपना पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज पूछ रहा है कि आप किस गांव के रहने वाले हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपना गांव का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे राशन कार्ड के डिटेल शो हो जाएगा। राशन कार्ड दिखा रहा है नंबर, यहाँ पे कार्ड का टाइप बता रहा है, राशन कार्ड होल्डर नेम बता रहा है, फादर्स नेम बता रहा है। तो इसमें आपको नेम से चेक करना होगा, तो नेम से भी चेक कर सकते हैं, नाम और फादर्स नेम से, और राशन कार्ड नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको इसमें चेक करते रहना है, ऐसे चेक करना है। अगर इसमें आपका मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपका यहाँ पे दूसरा पेज दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें अपना देख लेंगे कि दूसरा पेज में है या नहीं, अगर इसमें भी आपका नहीं होगा तो आप फिर से तीसरा पेज पर क्लिक करेंगे। ऐसे जब तक अपना नहीं मिलेगा तो इसमें आपका 6 पेज है, 6 पेज पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए राशन कार्ड नंबर दिया हुआ है जो ब्लू है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा, आपका राशन कार्ड संख्या शो हो जाएगा, कार्ड का प्रकार बता देगा, राशन कार्ड धारी का नाम बता देगा, इसमें आपका पता भी बता देगा। तो इसको आपको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, और इसे प्रिंट करके आप राशन कार्ड लेने के लिए इसे ले जा सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो कैसा लगा आपको। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।